हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डोगा की रोमांचक सीरीज डोगा हिंदू है की चौथी कॉमिक्स रो पड़ा डोगा। संजय गुप्ता पेश करते हैं राज कॉमिक्स है मेरा जुनून, रात के रक्षक डोगा का रोमांचक कॉमिक्स रो पड़ा डोगा। पिछले भागों डोगा हिंदू है अपना भाई डोगा हाय हाय डोगा में आपने पढ़ा कि किस तरह ब्लडमैन की चालों का शिकार होकर मुंबई भीषण दंगों की शिकार हो गई। डोगा भी रोक नहीं सका इन दंगों को, रोकने पहुंचा तो खुद ही फंस गया दंगाइयों की भीड़ में, एक ऐसी भीड़ में जो उन्मादी थी, उसके खिलाफ थी, जिस पर वो हथियार नहीं उठा सकता था। देख रहा था निर्दोष लोगों को कटते मरते, और फिर अचानक सारी की सारी भीड़ उस पर टूट पड़ी। डोगा पर डंडे बरस पड़े, लोहे की छड़े बरस पड़ी, नीचे गिर पड़ा डोगा। उन्मादी भीड़ कहाँ रुकने वाली थी, मिलिट्री ने आकर स्थिति को संभाला, दंगा रुका, अस्पतालों में घायलों की भीड़ लग गई, सड़क से कई लाशें उठाई गई, मगर उनमें डोगा नहीं था, ना घायलों के बीच कहीं, ना शवों के बीच। पुलिस कमिश्नर ने डोगा की तलाश युद्ध स्तर पर करने को का आदेश दिया। अदरक और चीता डोगा की तलाश में निकलने को थे, मगर डोगा लोमड़ी को मिल गया, गटर में बेसुध पड़ा हुआ। उसके चारों ओर मौजूद थी उसकी कुत्ता फौज, जो रो रही थी। लोमड़ी का कलेजा कांप गया था, क्योंकि कुत्तों का रोना तो अशुभ होता है, मौत की निशानी, पर वो कुत्ते तो उसे डोगा की तरफ बढ़ने ही नहीं दे रहे थे। अब की आइए पढ़े व देखे प्रस्तुत कॉमिक में। बंद करो मनहूस स्वरों में चिल्लाना, डोगा जिंदा है, मुझे देखने दो उसे। वो उफ नहीं हट रहे, वुफ वुफ गुर्र, ये क्या सोच रही हैं, गुर्राकर मेरा रास्ता रोक लेंगे। डोगा तकलीफ में है, डोगा तक पहुंचने से मुझे ये सारे तो क्या मौत भी नहीं रोक सकती। हटो हटो, मुझे डोगा के पास जाने दो। डोगा की तरफ कदम बढ़ाकर लोमड़ी अपनी जिंदगी को चुनौती दे रही थी। डोगा के वफादार हैं ये सारे, कोई रियायत कोई रहम नहीं करेंगे, वुफ। लेकिन मैं डोगा को बचाना चाहती हूँ, उसे बचाना चाहती हूँ, समझे तुम सब, वुफ। ऊपर सड़कों पर सन्नाटा पसरा था, कर्फ्यू का सन्नाटा, जिसे भंग कर रही थी गश्त करती मिलिट्री के जूतों की ठक ठक। कर्नल जैदी के कान मिलिट्री के बूटों की आवाज़ों के अलावा भी कुछ आवाज़ें सुनने की कोशिश कर रहे थे। ठहरो, रुक जाओ, सुनने दो, कुछ सुनने दो, कुछ सुना, वाह वाह, कुत्तों के रोने के स्वर, कुत्ते नीचे गटर में क्या कर रहे हैं, खोलो इसे, खोलो, हटाओ इस ढक्कन को। कहा जा रहा है कि शहर में सारा फसाद डोगा के कारण शुरू हुआ है, डोगा कुत्तों की मदद लेता है, कुत्ते उसका आदेश मानते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि डोगा शहर में आने जाने के लिए गटर के रास्तों का प्रयोग करता है, कुत्ते गटर डोगा, मुझे डोगा को देखते ही गोली मारने के आदेश मिले हैं, गुर्र गुर्र, उतरो नीचे, शायद ये डोगा के कुत्ते हैं, शायद डोगा कुत्तों के साथ नीचे हो, कुत्तों के गुर्राने के स्वर इस तरफ से आ रहे हैं, ऐसी गुर्राहटें व भौंक कुत्ते आक्रामक मूड में ही निकालते हैं, कुत्ते जरूर किसी पर हमला कर रहे हैं, वुफ गुर वुफ भो भो वो गुर। जल्दी ही कर्नल जैदी की आंखों के सामने वह दृश्य था, यही कुत्ते शोर मचा रहे हैं, वुफ 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 को को हर वुफ, पर यहाँ डोगा या कोई और तो दिखाई नहीं पड़ रहा सर, मगर इतने सारे कुत्ते यहाँ गटर में क्या कर रहे हैं, ओह यहाँ कुछ गड़बड़ है, आंखों में मिर्ची सी लग रही है, यस सर, ये कुत्ते भी इसी प्रभाव में हैं, इनकी आंखों में भी मिर्ची के प्रभाव से पानी निकल रहा है, इनकी आंखें बंद हो रही है, शायद कुत्तों पर यह स्प्रे झोंका गया है, इससे कुत्ते बेचैन हो रहे हैं, यहाँ से बाहर निकलो, हमारी आंखें भी उस प्रभाव की चपेट में आ सकती है। मिस्टर सरदाना, इस रोड के उत्तर व दक्षिण की तरफ अपने जवानों को अलर्ट कीजिए, कोई गटर में से बाहर आने की चेष्टा करेगा, शायद उसके साथ डोगा हो। सर क्या पता वो डोगा ही हो, नहीं वो डोगा नहीं हो सकता,
अगर वो डोगा होता तो अपने कुत्तों की आंखों में मिर्ची का स्प्रे झोंक कर नहीं भागता। सर उधर चलिए सर, उधर मेन होल का ढक्कन हटा हुआ है। ये देखिए सर, यहाँ से कोई बाहर निकला है। गटर की गंदगी से ये जगह गीली हो रही है। बाहर निकला है या किसी को उसने निकाला है, शायद डोगा को। वो उसमें है, पकड़ो उसे। लोमड़ी छलावा है और छलावे को भला कोई पकड़ पाया है कभी? सही समय पर मैंने अपने होशोहवास संभाल कर कुत्तों पर पीपर स्प्रे का प्रयोग किया और डोगा को कुत्ता फौज के बीच से निकाल लाई। डोगा की हालत खराब है, इसे फौरन किसी अस्पताल में पहुंचाना होगा। लेकिन अस्पताल, वहां तो चप्पे चप्पे पर पुलिस होगी, मिलिट्री होगी। रोको, ले जाना तो होगा ही। कड़ाक, कोई फायर नहीं करेगा। सूचना के मुताबिक फौज के ट्रक पर गोला बारूद भी लदा है। बारूद ही तो लदा है, खुद डोगा। मगर आज वो बारूद फट सकने की स्थिति में नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी डोगा, तुम्हारी सांसों से जिंदा है लोमड़ी, तुम्हारी धड़कनों से ही धड़क रहा है उसका दिल। तुम्हें बचाने के लिए लोमड़ी तो वो सांसें तुम्हें दे देगी, अपनी वो धड़कनें तुम्हें सौंप देगी। डोगा पड़ा था, ट्रक की गति के साथ हिचकोले खाता उसका शरीर चमड़े की ड्रेस के नीचे खून से तर बतर था। खून से नहाया वो जिस्म जो हाहाकार कर रहा था। डोगा का रोम रोम जैसे लहू लुहान था, आत्मा तक लहू लुहान थी आज उसकी। ठंडे डंडे और लोहे की छड़ों से पीटा गया आज मुझे, शरीर आज हमारा हजारों जख्मों से भर दिया गया। आज से पहले भी हजारों जख्म खाए हैं मैंने, कई बार शरीर अपराधियों की गोलियों और बारूद के धमाकों से छलनी हुआ, मगर कभी उफ तक नहीं की मैंने। ये वही ट्रक है, रोको उसे। जख्मों का जखीरा हमेशा अपने हृदय पर रखे रखा। इसी में है डोगा, इसे ओवरटेक करो। शरीर की चोट तक जख्मों का दर्द कभी पहुंचने नहीं दिया। अपराधियों द्वारा दी गई यातनाओं से भी दर्द मेरे होठों तक नहीं पहुंचा। उफ, संभालो जीप को, संभालो। दिल के हजारों जख्म, हजारों नासूर उन चीखों का दम गले तक पहुंचने से पहले ही घोट देते थे, खना कड़ा ग्रुम। मगर आज ये चोट, ये जख्म जो मेरी डोगा ड्रेस के नीचे मेरी चमड़ी को उधेड़ चुके हैं, हा हा हा, इन चोटों का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझे। हा हा हा, मत आना आज मेरी राह में कोई, मत आना, वरना कहर टूट पड़ेगा उस पर। इन्होंने दिल के जख्मों को बुरी तरह से कुरेद दिया है, नोच डाला है, धड़, उफ। आई वॉर्न यू, रास्ते में मत आना, लोमड़ी चबा जाएगी तुम्हें, झजोर डालेगी तुम्हें। उफ उफ, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, होठ चीखों को रोके नहीं रख पा रहे। दर्द भीषण है, आज नहीं रोक पाएगा, आज नहीं रोक पाएगा, आज दर्द से चीखेगा डोगा, आ। आज दर्द को बर्दाश्त करने की सीमाएं टूट रही है, नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता इस चीख को, आ। डोगा चीखेगा। घबराना नहीं डोगा, घबराना नहीं, अस्पताल आ गया है, तुम्हें सबकी नज़रों से बचाकर अंदर ले जाएगी लोमड़ी। कोई भी दर्द जब अपनी सीमाएं तोड़ देता है तो इंसान चीखता है, चिल्लाता है, उसका दिल रोता है, उसकी आंखें आंसुओं को बांध नहीं पाती है। बचपन में तब भी रोया था मैं, जब मैंने डाकू हलकान सिंह का जुल्म देखा था, उसकी दरिंदगी देखी थी, क्योंकि तब भी चोटें मेरी आत्मा पर हुई थी, आज भी चोटें मेरी आत्मा पर हुई है। उफ, इतना खून खराबा, इतनी मारकाट सिर्फ मेरे कारण। माफ़ करना डोगा, मुझे तुम्हारा मास्क उतारना होगा। और आज मर रहा है डोगा, उखड़ चुकी है उसकी सांसें, मुर्दे के चेहरे से मास्क उतारने से क्यों डर रही है ये लड़की? कौन है ये लड़की? मुझे यहाँ क्यों लाई है बचाने? आई एम सॉरी डोगा, आई एम सॉरी, मगर ये ज़रूरी है। क्यों 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 बचाना चाहती है ये मुझे? नहीं, आंखें नहीं खोल सकती मैं, नहीं देख सकती मैं, नहीं देख सकती मैं। इस अपराध बोध के साथ कैसे जिएगा डोगा? क्यों बचाना चाहती है ये मुझे? अरे मर चुका है डोगा, लाशों को जिंदा नहीं किया जा सकता। देखा, देख देख उसका चेहरा, खून से लथपथ उसका मरा हुआ चेहरा देख, कहाँ है जिंदगी उसमें? नहीं नहीं,
नहीं, सूरज का खून से लथपथ चेहरा देखकर कांप गई थी लोमड़ी। डोगा की आंखों में उतरने वाला खून आज पानी हो चुका है, बिल्कुल निस्तेज हो चुकी हैं आंखें। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मगर ये लड़की क्या वाकई पागल है? मेरे जख्मों को साफ कर रही है, मुझे ऑक्सीजन दे रही है। कहाँ है मेरे फेफड़ों में इस ऑक्सीजन को खींचने की ताकत? जिस्म से तुम्हारी सांसों की, इस लड़ाई में तुम्हें हारने नहीं दूंगी डोगा, सांसों को लौटना होगा। कोई पागल है ये, सोच नहीं पा रही कि डोगा की सांसें अब क्यों लौटेंगी। सुना तुमने डोगा, सांसों को लौटना होगा तुम्हारी। मुंबई के लोगों का विश्वास ही तो डोगा की ताकत था, जब वही टूट गया तो ताकत कहाँ रही डोगा में खुद को जिंदा रखने की। धड़को धड़को डोगा, धड़को 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 धड़को, हाँ, कांप गई टांगे मेरी, बंद धड़कनों ने खींच दी ना पाँव के नीचे से जमीन, गिर पड़ी ना। अस्पताल के बाहर उस वाहन ने सनसनी फैला दी थी। ये तो वही मिलिट्री व्हीकल है जिसकी तलाश सरगर्मी से पूरे शहर में की जा रही है। कर्नल साहब को सूचना दो, फिर पूरे अस्पताल की बिल्डिंग को घेर लो। हरी अप हरी अप, डोगा यहीं मिलेगा। ऑपरेशन थिएटर के बाहर भीड़ लग गई थी। कौन है अंदर? अरे अंदर कौन है? अस्पताल के रिकॉर्ड के मुताबिक कोई ऑपरेशन भी नहीं चल रहा। कमाल है, अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। धड़, तोड़ दो दरवाज़ा। मीडिया से ये खबर कब तक छुपी रहती? डोगा हॉस्पिटल में है, वो घायल है, कोई उसे इलाज के लिए लाया है। आप देख रहे हैं ऑपरेशन सर्च डोगा का लाइव प्रसारण। फौजी ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा तोड़ रहे हैं, और ये देखिए दरवाज़ा टूट गया। खबरदार, कोई अंदर नहीं आएगा, यहाँ तो कोई नहीं है। तो फिर ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा अंदर से बंद क्यों था? यहाँ गटर जैसी गंध फैली है, ये ऑक्सीजन मास्क खून से लथपथ है। ये मास्क जरूर डोगा को लगाया गया होगा, यहाँ डोगा को ही लाया गया था। फिर तो डोगा को शायद शॉक ट्रीटमेंट देने की भी कोशिश हुई है। ये मशीन ऑपरेशन टेबल के पास किसकी हुई है? डोगा की ड्रेसिंग भी हुई है। इसका मतलब डोगा इतना ज़्यादा घायल है कि उसे बचाने के लिए शॉक ट्रीटमेंट तक देने की नौबत आ गई। मुझे लगता है डोगा में जान नहीं है, शायद डोगा मारा गया है। शॉक ट्रीटमेंट अक्सर दिल की मर चुकी धड़कनों को चालू करने के लिए दिया जाता है। अगर ऐसा किया गया है तो इसका मतलब एक ही है कि डोगा की सांसें नहीं चल रही है। अगर ऐसा है तो दुनिया की कोई भी ताकत ऐसे व्यक्ति को नहीं बचा सकती जिसका ट्रीटमेंट अधूरा ही छोड़ दिया गया हो। सर, यहाँ दरवाजे पर खून लगा है, शायद वो लोग इधर से ही निकले हैं। निसंदेह हमारे आ जाने के कारण डोगा का हमदर्द उसे यहाँ से ले भागा है। डोगा में जान नहीं है, डोगा मारा गया है। ऑपरेशन थिएटर, डोगा की सांसें बंद, डोगा को शॉक ट्रीटमेंट। सर, एक मुर्दा गाड़ी हॉस्पिटल के गेट पर खड़ी है, उसमें अस्पताल में मरे किसी व्यक्ति का शव है। रिलेटिव्स के पास कर्फ्यू पास है, शव का चेहरा देखो। नहीं सर, उसकी मौत एक्सीडेंट में सिर कुचलने से हुई है, चेहरा देखने की हालत में नहीं है, उसे जाने दो। सर, अस्पताल के मोर्ग में कीचड़ के निशान मिले हैं। मोर्ग? ओह नो। सार्जेंट, उस गाड़ी को रोको, मुर्दे को चेक करो। सॉरी सर, वो तो जा चुकी है, और अब तुम लोग भी जा सकते हो। आगे का सफ़र मैं खुद पूरा कर लूँगी। सॉरी, मैंने बॉडी को बदल दिया था, इसमें आपके रिलेटिव का शव नहीं, इसमें डोगा है। इस बात के लिए मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी कि मैंने डोगा को शव की तरह बांधा। कैसे बांध सकी, उफ कैसे कर सकी मैं ये सब। कर्नल ने नया धमाका किया, डोगा की तलाश अभी जारी रखी जाए युद्ध स्तर पर। लेकिन सर, अभी अभी तो आपने कहा कि डोगा मर चुका है, सारे शहर में ये बात फैल चुकी है, फिर ये आदेश कुछ समझ में नहीं आया। हम जिसकी तलाश कर रहे हैं उसका नाम डोगा है, सारे शहर की पुलिस भी मिलकर उसे आज तक पकड़ नहीं सकी है। ये कमबख्त मीडिया के लोग तो बस बात को फौरन पकड़ लेते हैं, जबकि हमें ये भी पता नहीं कि डोगा घायल भी हुआ या है या नहीं। हम जो सोच रहे हैं वो हमें डोगा सोचने पर मजबूर करवा रहा है। क्या पता ऐसा करके डोगा हमें छका रहा हो, क्या पता खुद डोगा ही उस ट्रक में हो और उसी ने हॉस्पिटल के अंदर बाहर ऐसी स्थितियां पैदा की हों जिससे ये लगे कि डोगा मर चुका है। जरा सोचो, इस खबर के साथ ही डोगा को पकड़ने की मुहिम
कैसे एकदम से रुक जाएगी? डोगा ऐसा सोच और चाह सकता है, हम उसकी तलाश उसके जिंदा या मुर्दा मिलने तक बंद नहीं करेंगे। अदरक और चीता गटर में उतरने के लिए तैयार हो चुके थे। क्या आप सोचने लगे अदरक चाचा? इस समय डोगा की तलाश पुलिस के अलावा मिलिट्री भी कर रही है। अगर हमारा सामना गटर में इनसे किसी से हो गया तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे कि हम गटर में क्या कर रहे हैं, किसे ढूंढ रहे हैं? मोहन सिंह, टीवी की हर न्यूज़ पर कान पर नज़र रखना। मुंबई के अपराध जगत की दिवाली, मारा गया डोगा, डोगा दंगों में बुरी तरह घायल, कोई उसे गटर से निकालकर अस्पताल लाया, वहां डोगा को दी ऑक्सीजन, डोगा की बंद सांसों को चालू करने के लिए दिया गया शॉक ट्रीटमेंट, चकराकर गिरने को हुए अदरक चाचा, वो सिर्फ एक न्यूज़ है, संभालिए अदरक चाचा, संभालिए अपने आप को, वो सिर्फ एक न्यूज़ है। रुंध गया था चीता का गला भी, किसी ने कुछ सुन लिया, किसी ने कुछ कह दिया, अरे वो जब छोटा था तब मौत हार गई थी उससे, फिर अब तो वो हट्टा कट्टा जवान है, जिंदगी को इतनी आसानी से कैसे हार जाएगा डोगा? अपने विश्वास को मजबूत कीजिए अदरक चाचा, डोगा ठीक है, वो जिंदा है, वो लौटेगा, हमारा सूरज लौटेगा। पल भर को बहक गया था मोहर सिंह, पल भर को बहक गया था मैं ये झूठ सुनकर। झनाक, ये शीशा टूटने की आवाज़ कैसी थी? ये तो सूरज के कमरे की तरफ से आई है। तीनों सरपट भागे। सूरज के कमरे में कौन है? शीशा किसने तोड़ा? सूरज के कमरे में पहुंचकर तीनों का मुंह बाहर से खुला रह गया। ये मेरे अदरक चाचा हैं, इनकी छाती तो फट गई होगी मुझे इस हाल में देखकर। सूरज, चलिए दोस्तों इस भाग में इतना ही, ये रोमांचक कहानी जारी रहेगी इसी कॉमिक्स के अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।